जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो अभी आपके यूपी बीएड 2024 के एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो यहाँ पे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ पे देखने हैं। एंड फटाफट से दोस्तों, अगर आपको आते हैं तो आप मतलब स्किप कर सकते हैं वीडियो को, नहीं तो अगर बेसिक से दोस्तों आप जानना चाहते हैं तो डिटेल में यहाँ पे हम देखते हैं। छोटी सी वीडियो है तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एंड अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बहुत ही कम टाइम लगता है आपको करने के लिए। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अब यहाँ पे गाइस आपको कंफ्यूज कर सकता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर अभी बताता हूँ, लेकिन अगर आपको पूछ लिया कि पॉपुलेशन की यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से, तो यहाँ पे गाइस थोड़ा सा गेम चेंज हो सकता है। तो भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, एंड पॉपुलेशन के हिसाब से देखोगे तो यूपी यानी कि अपना उत्तर प्रदेश आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो भाई भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन सबसे पहले हम जान लेते हैं, वो हुआ था 1947 में। ओके, एंड माउंट बेंटन योजना थी। एंड भारत एवं पाकिस्तान के बीच की दोस्तों जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है। ये तीन चीज़ें आपको याद करनी है भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन से रिलेटेड। अब है कि टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके सामने, उल्का पिंड, तारे के प्रकार, वायु के घर्षण में प्रज्वलित होना, पुच्छल तारे का मलबा। तो भाई टूटते हुए तारे का संबंध जो है वो उल्का पिंड से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। फटाफट से दोस्तों हम देखते हैं आगे ऑप्शन से आपके क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वह कि पृथ्वी के पायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में यानी कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ऑप्शन है आपके सामने, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे दोस्तों मात्रा में नाइट्रोजन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण दोस्तों क्या हो रहा है। तो यहाँ पे है कि पृथ्वी का तापमान कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, स्थिर है या फिर कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो डे बाई डे आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो एक निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताज़े पानी की झील है। तो ऑप्शंस कुछ रहे, आप देख सकते हैं तीतिकाका झील, बैकाल, चिल्का या फिर सुपीरियर। तो विश्व की सबसे गहरी झील जो कि मतलब गहरी ताज़े पानी की है वो है बैकाल झील। ओके, नेक्स्ट है कि अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है। भूकंप से, वलन से, पृथ्वी की भीतरी प्रदेश से या फिर भ्रंशन से। तो भाई अधिकेंद्र शब्द है वो भूकंप से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। अभी नेक्स्ट की बात करते हैं। तो है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। तो यहाँ पे है कि गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर महानदी। तो भाई अलमाटी बांध आपका कावेरी नदी पर बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। बाघ परियोजना कब आरम्भ की गई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन, इसमें है कि 1973, 1976 या फिर 1978 या फिर 1983। तो भाई बाघ परियोजना शुरू की गई थी 1973 में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक, अब 10 की बात करते हैं भाई। तो है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार भाई भारत का आपका सातवां है। ठीक, सातवां, एक सेकेंड, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो भारत का स्थान सातवां है, एंड पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं तो अभी के लिए दोस्तों नंबर वन की पोजीशन पे, और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे दूसरी पोजीशन है चाइना के बाद। तो अब यहाँ पे गाइस हम बात कर लेते हैं, कोडाई कनाल पर्वतीय स्थान स्थित है। तो यहाँ पे है कि शेवराय पहाड़ी में, पालनी पहाड़ी में, इलायची पहाड़ी में या फिर नल्ला मलाई पहाड़ियों में। तो भाई कोडाई कनाल पर्वतीय स्थान ये है भाई आपका पालनी पहाड़ियों में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक, ग्रह से दोस्तों रिलेटेड आपको दो तीन क्वेश्चंस हमेशा देखने के लिए मिलते हैं, एंड इस पे गाइज मैं आपको एक शॉर्ट नोट बनाया हूँ, वो वीडियो अपलोड करूँगा जहाँ पे आपको सारे ग्रहों से रिलेटेड दोस्तों कौन सा मतलब हरा ग्रह कौन सा है, लाल ग्रह कौन सा है, कितनी मतलब दूरी है, ये सारी दोस्तों चीज़ें आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे है कि कोई उपग्रह नहीं है किसी का, जैसे पृथ्वी का दोस्तों उपग्रह है,
चंद्रमा, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि कौन से ग्रह का नहीं है, तो है कि शुक्र, पृथ्वी, मंगल या फिर बृहस्पति। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है शुक्र। ठीक, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ बुध के भी पास दोस्तों कोई भी मतलब उपग्रह नहीं होता। अब यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन हैं आपके सामने गंगा, गंडक, सोन या फिर कोसी। तो भाई जो कोसी नदी है वो बिहार का शोक कही जाती है, कोसी नदी। ठीक, ऑप्शन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी एंड सूर्य के बीच की दोस्तों डिस्टेंस कितनी है। तो आप देख सकते हैं आपसे आपके सामने ऑप्शन 16.98 करोड़ किलोमीटर, 14.98 करोड़ किलोमीटर, 18.06 करोड़ किलोमीटर या फिर 12.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक, तो ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हैं। बाकी आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं, पेपर आपके सामने है, अब यहाँ पे करोड़ की जगह पे लाख किलोमीटर दे दिया एंड दोनों ऑप्शंस मतलब यहाँ पे 14 है, 14 यहाँ पे भी है, अब यहाँ पे करोड़ की जगह पे यहाँ पे लाख दे दिया। तो भाई आप एकदम ध्यानपूर्वक करके आइएगा। बाकी इसका जो मतलब राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14.98 करोड़ किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, तो है कि बबर शेरों का अभयारण्य कहाँ है। अभयारण्य मीन्स वही उद्यान होता है, चिड़ियाघर आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे है कि काजीरंगा, गिर, केवलादेव या फिर मानस। तो भाई बबर शेरों का अभयारण्य गिर में है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अब है कि भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है। तो भाई यहाँ पे है कि कच्छ की खाड़ी, गंगा यमुना बेसिन या फिर खंभात की खाड़ी या फिर मुंबई हाई। तो भारत में भाई पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान वो है मुंबई हाई। ठीक, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो है कि कौन सी ठंडी जल धारा है। तो है कि गल्फ स्टीम धारा, कनारी धारा, मोजाम्बिक धारा या फिर अलगुहास धारा। तो भाई ठंडी जल धारा में दोस्तों कनारी जल धारा आती है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा दोस्तों रिपीटेड है, लगभग दोस्तों अल्टरनेट आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाते हैं तो आपको ज़रूरी मिल जाता है। तो यहाँ पे भाई 96-98% के साथ दोस्तों साक्षरता दर के साथ केरल जो है आप कह सकते हैं सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश है इंडिया में। और फिर उसके बाद है कि सबसे बड़ा महासागर है, तो वह है कि हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक, तो कुछ इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। अब यहाँ पे है कि जावा मानव संबंधित है। तो भाई जावा मानव संबंधित है कॉकेशायड प्रजाति से या फिर मंगोलायड प्रजाति से या फिर निग्रोयड प्रजाति से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब ये काम आपका है, आप गूगल करिएगा या फिर कुछ भी करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका वो क्या है, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन था तो एक तरीके से होमवर्क आपको यहाँ पे मिलता है। आप इंस्टेंट गूगल कर सकते हैं और कमेंट में आके बता सकते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और किस टॉपिक पर और भी वीडियो चाहिए। और मैं तो उम्मीद ही करूँगा कि आपका जो ये इंट्रेंस एग्ज़ाम है वो एकदम अच्छे से जाए। और जिस टॉपिक पे दोस्तों आपकी पकड़ कमज़ोर है आप बताइएगा, मैथमेटिक्स से लेकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर जो भी सब्जेक्ट आपकी समझ में ना आता हो, जो भी कॉन्सेप्ट ना आता हो, आप ज़रूर दोस्तों बोलिएगा, मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ठीक, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।